क्या आपके भी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है? क्या सुबह उठते ही आपकी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है? क्या आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा पेन करते हैं? शोल्डर बहुत पेन करते हैं? तो इसका मतलब यही है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो यूरिक एसिड का बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की मैंने बहुत सारी और भी रेमेडीज़ अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को चेक नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पर मैं सारे यूरिक एसिड की जो रेमेडीज़ हैं उन वीडियोस के लिंक डाल दूंगी। क्लिक करते ही आप डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंच जाओगे और जो भी वीडियो आपको सूटेबल लगती है अपने लिए, जो भी रेमेडी सूटेबल लगती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। गाइस कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप आसानी से यूरिक एसिड के लेवल को जो है ना बैलेंस कर सकते हो, कंट्रोल में ला सकते हो। यूरिक एसिड जब बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है तो बॉडी को बहुत बहुत जो है ना पेन देता है, बहुत ही पेनफुल सा रहता है। चाहे आपके जॉइंट्स में पेन हो, आपकी फिंगर्स में पेन हो, आपके जो एडियां होती हैं, एंकल्स होती हैं, वहां पर पेन रहने लगता है। ओवरऑल बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन सा रहने लगता है जब आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। कैसे पता चलेगा? यही सिम्टम्स हैं इसके। आपको जो है ना ज्यादा पेन रहने लगेगी एडियों में, फिंगर्स में, जॉइंट में, नकल्स में, तो इस तरह से ये जो बाजुएं होती हैं यहाँ पर, तो ये सिम्टम्स हैं इसके यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने के। तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपको इस तरह की पेन्स हो रही हैं तो आप अपना यूरिक एसिड जरूर चेक करवाएं। और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेदिक चीज को फॉलो करें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। वैसे तो मेरे चैनल पर यूरिक एसिड की ढेरों रेमेडीज हैं और सारी की सारी अपने आप में नंबर वन है, क्योंकि सबकी बॉडी की तस्वीर अलग अलग होती है। तो कुछ को कोई मेडिसिन सूट कर जाती है ना, जैसे एलोपैथी में कोई मेडिसिन सूट करती है, उसी तरह से आयुर्वेदा में भी कुछ इंग्रेडिएंट्स किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते। तो हर किसी के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं, कोई भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो अब देख लेते हैं कि आज की रेमेडी जो शेयर करने वाली हूँ इसको कैसे बनाना है, कैसे लेना है इसको, और कितने दिन तक आपको रिजल्ट जो है ना दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, देख लेते हैं पूरा का पूरा वीडियो। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन प्रेस करने से आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। यूरिक एसिड को बैलेंस करने के लिए मैं जो ये रेमेडी शेयर करने वाली हूँ उसके लिए हमें चाहिए जिंजर का एक पीस। गाइस, जिंजर यानी कि अदरक, इसको अच्छे से छीलकर वॉश करके इस्तेमाल में लाना है आपने। अदरक के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी से पेन को दूर करते हैं, यूरिक एसिड को बैलेंस करते हैं, हर तरह के दर्द को ये दूर करने में पेन किलर का काम करते हैं। तो आपने जिंजर को, हाफ जिंजर को जो है ना ग्रेट कर लेना है, ग्रेटेड जिंजर यूज़ करना है यहाँ पर। गाइस, जिंजर में बहुत ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके यूरिक एसिड के लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। तो आधा टुकड़ा मैंने यहाँ इस्तेमाल में लिया है। अब आपने गैस पर एक पैन रखना है, पैन में आपने एक गिलास पानी ऐड करना है। गाइस, आपने जो है ना मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही जो है ना इस रेमेडी को तैयार करना है। अब जो हमने जिंजर को ग्रेट किया था वो वाला जिंजर जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर देना है और इसको अच्छे से आपने बॉयल आने देना है। ये रेमेडी जो बनकर तैयार होगी ये पुराने से पुराने यूरिक एसिड के लेवल को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जिंजर वैसे भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, फैट को मेल्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये जो कुकिंग प्रोसेस है ये जो है ना केवल 5 मिनट्स का ही है, यानी कि मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाना है। और अब मैंने गैस बंद कर दी है, अच्छा कलर आ गया है, बनकर तैयार हो गया है। मैं इसको स्ट्रेन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, इसी तरीके से मैं इसको जो है ना डायरेक्ट ही यूज़ करूँगी। 2 गिलास में मैंने लिया है हाफ हाफ करके। तो आपको ये पता चलेगा कि आपने कितनी मात्रा में दिन में कितनी बार इसको कंज्यूम करना है। ये मैंने हाफ हाफ ले लिया गाइस, यू कैन सी। और अब इसके अंदर जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ उसको डालते ही इस ड्रिंक का कलर चेंज हो जाएगा। तो वो इन्ग्रीडियंट है हमारे पास लेमन। लेमन विटामिन सी से भरपूर होता है, हर तरह से यूरिक एसिड के लेवल को बैलेंस करने में हेल्पफुल है। तो हमने सिर्फ आधा नींबू लेना है, ठीक है? आपने ऐसा नहीं करना कि एक आधा एक में और आधा एक में, टोटल ही आपने हाफ लेमन लेना है
और दोनों गिलास में आपने थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना है, अपने हिसाब से इक्वल होना चाहिए। जैसे आपका ये ड्रिंक इक्वल है उसी तरह से लेमन जूस इक्वल होना चाहिए। लेमन जूस और जो जिंजर जूस है इन दोनों का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में बहुत बहुत कारगर होने वाला है। यूरिक एसिड से होने वाले जॉइंट पेन को जो है ना ये दूर करेगा, साथ साथ आपकी बॉडी से ना फैट को भी मेल्ट करने लगेगा। आपने करना क्या है, इसको आपने दिन में 2 बार कंज्यूम करना है। एक बार मॉर्निंग में खाना खाने के आधे घंटे के बाद इसको सिप सिप करके ऐसे पीना है, और एक बार रात को खाना खाने के आधे घंटे के बाद जो है ना हाफ जो क्वांटिटी है वो सिप सिप करके पीना है। अब आप सोचोगे कि मैंने एक बार में ही ये बनाया है, तो मैंने एक बार में ये जो है ना 2 बंदों के लिए बनाया है। तो आपने अगर सिर्फ 1 जने के लिए बनाना है तो आप सुबह जो बना रहे हो वो 1 गिलास वाला ही यानी कि आधे गिलास पानी वाला बनाइएगा, और उसको जो है ना इतनी ही क्वांटिटी में कंज्यूम करना जितना मैंने 1 टाइम में आपको दिखाया है, ठीक है। और जब रात को पियोगे फिर से इसको ड्रिंक को बनाना है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि यही ड्रिंक को बाद में हम गर्म करके पी सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यूरिक एसिड से बचाव के लिए, यूरिक एसिड के लेवल को बैलेंस करने के लिए इस रेमेडी को जरूर फॉलो कीजिएगा, और इस वीडियो को जैसा लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।